पूरा खर्चा निकलने के बाद आपको बचेगा कितना, 500-700 रुपया। अच्छा, ओ 7-6 घंटा, 7-6 आवर्स यहाँ पर आग जलता है, उसके बाद जाके पकता है। भी नहीं लगता यार इसको बनाने में। तो मैं धरावी में इस वक्त, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुहार वाला रोड। मतलब ये रोड पे सिर्फ मटके बनते हैं और एक रोड पे बनती है चिक्की। अभी चिक्की का रोड मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिलहाल तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पर बनता है मटका। पूरा लाइन ही पूरा मटकी, छोटी मोटी मटकी, खूबसूरत खूबसूरत दिया है। ये तो दिया भी मिलेगा यहाँ पर, अगर आप आते हो कहीं पर भी बॉम्बे से, आपको खूबसूरत से खूबसूरत दिए चाहिए, एक अच्छे मटके चाहिए या कुछ अच्छा मट्टी का सेट चाहिए, तो ये लाइन में आ सकते हैं। उसको कहते हैं कुहार वाला रोड। तो बने रहना हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कुहार वाला रोड। देख सकते हो ये है मटके छोटे छोटे, ये हाँ ये क्या मटके छोटे छोटे, कितने के ये? हाँ 5 रुपये का एक, 5 रुपये का एक दिया है, दिया खूबसूरत है ना, दिया 5 रुपये का एक दिया है, ज़बरदस्त है आंटी। और ये मटका वगैरह का प्राइस क्या आंटी? हाँ हाँ 200 रुपये का मटका है, बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। तो क्योंकि देख सकते हो दिया है, छोटे छोटे दिए हैं, खूबसूरत दिया है यार ये, देखो ये वाला लाइन से पूरा मार्केट ही मार्केट है, देखो कितना अच्छे टर्टल्स है, मट्टी के, सब मट्टी के बने हुए हैं। दिवाली के लिए बेस्ट है ना ये दिया, सबसे अच्छा लगा। देखो ये कितने का है, ये 40 रुपये का है, वाह अच्छा है ना, ब्यूटीफुल है, 40 रुपीज़ का ये। अगर आप आते हो बॉम्बे में तो आप आ सकते हो यहाँ पर लेने के लिए। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ, बहुत सारी मार्केट्स है, देखो लाइन से दिया ही दिया ही है। इसको कहते हैं कुहार वाला मार्केट, वाह सीरियसली पूरे मटकी वाली मटका ही मटका है। देखो मैं सोचता था गांव साइड पे ये सब मटके और ये सब ज़्यादा मिलते हैं यार, यहाँ पर तो लिटरली पूरी मट्टी की मार्केट है। और ये जो बनता है ना अंदर, देखो वो भी देखना है कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किसी से पूछता हूँ, कोई अंकल से आंटी से। किस पे बनाते हैं आप लोग ये? वो चरखे पे कहाँ है, कहाँ से बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ है, अंदर है, कहाँ से जाने का, बहुत दूर है, अच्छा यहीं बनता है अंदर, अच्छा इधर ही सब बनाते हैं, ठीक। मटकी तैयार होती है, मेरे को वो देखने का था, अंदर चलते हैं गली के अंदर। फिलहाल तो देख सकते हो यहाँ पर पूरे मटकी के, मतलब घर घर के अंदर यहाँ पर मटकियाँ बनती हैं, देखो ये सब यहीं पर बनता है, सब अलग अलग कारोबार है अब यहाँ पर मटकी का कारोबार। क्या हो गया मेरे दोस्त, क्या हुआ? अच्छा देखिए ऐसा बनता है यहाँ पर। क्या छोटू क्या बना रहे हो? दिया ये कितने का बेचते हो रोड पर, कितने का देते हो, कितने का? 20 रुपये का। तो पढ़ाई करते हो कि नहीं? अरे वाह वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए। पूरी मट्टी की स्मेल है, मतलब ये गली के अंदर जो स्मेल है ना, सिर्फ मट्टी की स्मेल आ रही है, देख रहे हो सब जगह मटकी और ये सब रखा हुआ है। आज बोलते हैं बंद है, मगर मैं ढूंढ के रहूँगा कि कहीं ना कहीं तो मिले, ये देखो मटकियाँ रखी हुई हैं। पूरा गांव का फील आ रहा है भाई, देखो यहाँ पर भी सब घर के अंदर मटकी और ये सब रखा हुआ है। ये लगाया जा रहा है कलर, देख रहे हो, और ये भट्टी है यहाँ पर, इसको कड़क किया जाता है, ये भट्टी है, ये भट्टी में यहाँ पर इसको गर्म करते हैं, इसको पक्का करते हैं, मतलब कच्ची मिट्टी को पक्का करते हैं यहाँ पर। यार यहाँ पर तो मतलब घर घर के अंदर मटकियाँ बनती हैं, मतलब ऐसा कौन सा घर नहीं है जहाँ पर मटकियाँ नहीं बनती है। और इतना बड़ा नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे को ढूंढ के रहना है यहाँ पर चरखा पे मटकियाँ बनती है। सो ये देख सकते हो ये है घर के अंदर जो बन रहा है, ये दिए बना रहे सर, दिए बन रहे हैं आंटी। अच्छा तो मैं आपको टोटल वीडियोस दिखाता हूँ इसके। तो ये क्ले है मट्टी, ये कौन सी मट्टी यूज़ करते हैं आंटी आप? चावल का मट्टी, चावल का मट्टी, चावल का मट्टी। अच्छा अच्छा वाह, तो देख सकते हो इतने सारे ये दिया बना रहे, विद इन 5 सेकंड भी नहीं लगता यार इसको बनाने में।
सब मटके बनाए हुए घर के अंदर। जबरदस्त बना रहे हैं। ये क्या करें आंटी? गोला निकलता। अच्छा, इसे गोला निकलता मत डाली डाली। मतलब ये प्रोसेस है, यहाँ से मट्टी ये लेते हैं और ये मट्टी इसमें जाती है, फिर यहाँ से मट्टी होके ये मट्टी इनके पास लेकर आते हैं यहाँ पर, से पानी के अंदर से यहाँ पर बनाते हुए लोग। ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। वाओ, यहाँ पर जाके रखते हैं और ये जाके यहाँ पर जाता है। सीरियसली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के और बहुत अच्छा लगा। देख सकते हो मेरे पीछे ही बन रहा है ये, मेरे को बहुत संभालना पड़ेगा, इनका दिया रखा हुआ मेहनत है और काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग घर के अंदर भी, वो बिज़नेस है इनका। तो सीरियसली मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है और ये सबके लिए एक सबक है कि अगर आप कहीं पर भी रहो तो अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से बिज़नेस करके आप कमा सकते हैं। मुंबई इसके लिए कहते हैं, मुंबई मेरी जान। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। क्यूट थी यार, माशाल्लाह। ये भट्टी चालू है, देख सकते हो कितना धुआं धुआं है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर भट्टी वाले गली में, आपको भट्टी दिखाता हूँ। आपको चरखा दिखा दिया जहाँ पर वो वॉट का वो बनता था, अभी ये भट्टी जल रही है, देख तो दिखाता हूँ। ओहो भाई, धुआं ही धुआं है, कुछ समझ में सांस लेने को हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर वो हो रहा है अंदर, मटका ही अंदर सब पॉट वगैरह है। ये अंदर डालाते चिंदी डाल रहे हैं अंकल, ये अंदर के अंदर पका रहे हैं उसको, कच्चे माल को पक्का कर रहे हैं। अच्छा ओके, इसके अंदर डाल के कितने देर लगता है इसको पक्का होने में, कितना देर तक? हाँ, 7-6 घंटा कंटिन्यूसली जलाते रहते हैं आप? ओ, 7-6 घंटा 7-6 आवर्स यहाँ पर आग जलता है, उसके बाद जाके पकता है ये। देखो सब लोग अपना आग बंद करके आ रहे हैं, धुआं धुआं हो गया चारों तरफ। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखा ये वहाँ एक बार प्रोसेस होने के बाद ये भट्टी में बनता है मेरे ख्याल से। यहाँ पर भट्टी है जो गर्म हो रही है, यहाँ से इसके अंदर लेके जाते हैं लोग, ये भट्टी के अंदर ये लोग गर्म करते हैं, फिर यहाँ से पक्का मट्टी बनता है। तो मज़ा आ गया देख के, हर घर में ये बनता है, हर घर में। हाय सर, क्या नाम है सर आपका? समजी भाई। हाँ, समजी भाई टांग। अच्छा समजी भाई। अच्छा तो समझी भाई, थैंक यू सो मच आप वीडियो में आ रहे हैं हमारे, और मुझे जानना था कि ये कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर और ये कितने सालों से? ये तो बहुत सालों से, 90 साल हो गया। 90 साल हो गया, मतलब इसको 90 ईयर्स हो गया, क्या बात है। तो 90 ईयर्स से यहाँ पर ये मटके की मार्केट है। मतलब मैं तो धरावी में इतनी बार आने के बाद मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा था छोटे मोटे है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर तो काफ़ी घर घर में कारोबार होता है, घर घर में सब, घर घर में काम होता है, घर घर में काम होता है पूरा जी। और ये सब कहाँ सप्लाई होता है, कैसे जाता है सर? ये सब यहाँ से मार्केट वाले, दुकान वाले सब लेके जाते हैं। अच्छा, ये पूरा होलसेल मार्केट है? होलसेल मार्केट। हाँ, अच्छा वो रोड पे तो पूरी मार्केट है, मतलब रोड पे बेचते की है, यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता। अच्छा, मतलब बाहर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट भी होता है। और खासकर क्या क्या बनता है सर यहाँ पर? यहाँ पे देखो, ऐसा दिया बनता है, ऐसा लोटा बनता है, मटका बनता है, अच्छा पॉट बनता है। ओके ओके, और ये सब झाड़ का पॉट्स बनता है, और ये क्या बोलते हैं उसको, तो भी बनता है, क्या बनता है, काफी सब दिया ही दिया है रोड पे। जी जी, तो सर ये मतलब आप यहाँ पर कितने साल से हैं? मेरे को तो आज 58 साल हो गया है। 58 साल, आप गुजराती हैं सर? गुजरात। इसके लिए आपके लैंग्वेज से लग रहा था कि आप गुज्जू हैं, तो आप गुजरात साइड के कि मुंबई में ही? मुंबई में, मुंबई में, गांव वगैरह गुजरात है आपका? गुजरात है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पैदाइश ही इधर? अच्छा, पैदाइश मुंबई का है, मगर कैसा है कि आप लोग का लैंग्वेज गुजराती था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सब गुजराती है, सब गुजराती। अच्छा ठीक है। और ये धरावी मतलब सर कितनी, कितना बड़ा है, कौन कितने बड़े एरिया में धरावी? धरावी बोलेगा तो धारावी एकदम आगे से शिव स्टेशन से, हाँ, यहाँ तक धारावी है पूरा। और यहाँ पर सर काय काय का कारोबार होता है बताइए आप? यहाँ चमड़े का कारोबार होता है, चमड़े का और साबुन, बीजों साबुन है, साबुन से, चमड़ा से, बैग से, बद्दी वस्तु से, कपड़े का है, सब कुछ है। अच्छा,
सब कपड़े वपड़े का मार्केट, मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट घूमा तो घर घर में सर बिजनेस होता है यहाँ पर, तो मतलब ऐसा कौन सा घर है यहाँ पर बिजनेस नहीं है, और सब मालदार ही है सर, ऐसा ऐसा कोई नहीं कि मालदार नहीं है, मालदार नहीं है, जैसे वर्कर लोग हैं, सब वर्कर लोग हैं, तो ये घर के अंदर बनता है, मतलब ये बिजनेस है ना सर, ये सब पूरा पूरा खर्चा निकालने के बाद आपको बचेगा कितना, 500-700 रुपया। अच्छा, मगर घर तो चलता है ना सर, वो बड़ी बात है, कहीं किसी के हाथ चलाने से बिजनेस है, वो बड़ी बात है ना सर, लेदर का कारोबार होता है, बैग्स बनते हैं भाई, एक्सपोर्ट होते हैं बाहर कंट्री के लिए, और खासकर यूरोप में, यूएस में, सब जगह यहाँ से ही लेदर का कारोबार होते हुए जाता है, वहाँ पर पर्स और बैग जो मिलते हैं ना, लिखा था मेड इन इंडिया, मेरे ख्याल से यहीं से जाता है, तो आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहना हमारे साथ। और मगर ये एक्सपीरियंस तो सीरियसली कभी नहीं भूलूंगा, जो मटके वाली एक्सपीरियंस था ना, कैसे बनता है क्या है, मैं फर्स्ट टाइम देखा। तो यहाँ पर ये मार्केट है, और धुआं दिख रहा है आपको ऊपर, पूरा धुआं धुआं है, ये एक्चुअली उसी का ही भट्टी का ही धुआं है, ये देख सकते हो, ये क्या ब्यूटीफुल है यार, क्या चीज़ है ये, दिया देख सकते हो, दिया कितना प्यारा है, कितने का अंकल, अंकल ये कितने का है, 100 रुपये का, ये 100 रुपये का दिया है, अच्छा है ना, मस्त बनाया हुआ है। ये देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है दिया, है ना, बहुत मस्त है। कितने कैंटी है, 50 रुपये का, 50 रुपये का दिया, देखो बहुत प्यारा है, किसी को गिफ्ट देना रहे ऐसा, कितना अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। कि यहाँ से लाइन से लंबा गया, वो बिल्डिंग दिख रही है सामने एकदम, वहाँ तक मार्केट है, ये बहुत लंबी मार्केट है, ये आ जाना चाहिए वो रोड पे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। और फिलहाल तो मैंने दिया की मार्केट आपको दिखा दिया, अब चलते हैं अपने घर पे, और यहीं पर धरावी का वीडियो होता है ख़त्म, क्योंकि अगर मैं जितना घूम लूँगा उतना कम है, और मैंने आपको धरावी की गली दिखा दिया, धरावी का वो रोड दिखा दिया, इस वक्त मैं था 90 फिट रोड पे, और आपको और भी कुछ मार्केट दिखाता हूँ, लास्ट के शॉट दिखाऊँगा, मार्केट देख लेना, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट सकती कपड़ों की, और उसके बाद हम चलेंगे अपने घर, और